हेलो एलिविया सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको आशीष दे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपके बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चर्च में भजन संहिता पढ़ी जाती है। जब भी संडे प्रेयर होती है तब भजन संहिता पढ़ते हैं वो। और ये वचन ऐसे हैं कि इनको हम चाहे हज़ार बार पढ़ें। आज हम हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली सदी, अभी 21वीं सदी चल रही है, मान लो 50वीं सदी पे भी आ गई तो वो भी बाइबल यही रहेगी। बाइबल के ये नहीं कि बाइबल में इसमें चार पेज जोड़ दिए जाएंगे, ये नहीं कि इसमें से कुछ पेज फाड़ दिए जाएंगे, बाइबल यही रहेगी। लेकिन तब भी यही वचन होगा, भजन संहिता 103 जो इस वचन में लिखा हुआ है तब भी यही लिखा होगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जितनी बार हो सके हम सोचे कि ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमने सुन रखा है, लेकिन फिर भी पढ़ें उसको, क्योंकि बहुत सी बातें आती होती हैं। मैं कई बार कुछ बात करता हूँ वचन में से जो मैंने आज समझाया, अगले दिन परमेश्वर कुछ और प्रकाश होता है उसको मैं कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, सेम वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक परमेश्वर की प्रकाश होता है। इसलिए जितनी बार हम सुनते हैं, जितनी बार हम पढ़ते हैं, उतनी बार ही परमेश्वर अपना प्रकाश डालते हैं। हालेलुया। इसलिए आइए हम भजन संहिता 103 पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं इसको, इन वचनों को, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की अगर समय रहा तो, नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे इन वचनों को, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह है। मेरे मन यहोवा को धन्य कह है, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भटका रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदल दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी को ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसका स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, और जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा के करुणा उसके डरवियों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जब बड़े वीर हो और उसके वचनों के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य
वाक्य है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जीवन टाइम पास चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जीवन टाइम पास चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हम मसीह में हैं तो अगर तो भी हमारा जीवन टाइम पास चल रहा है, इसका मतलब अभी तक हम परमेश्वर को समझे नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मानता हूँ हर एक घर में, हर एक बिजनेस में, हर एक जीवन में प्रॉब्लम होती है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए थे, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थुकवा गए, इससे बड़ी समस्या तो आपको ऊपर नहीं हुई होगी। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के किल्लों पर हाथ पैरों पर किल ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया, वो आपके साथ तो नहीं हुआ। आपके घर में चलो कुछ ऐसे बात होगी कि आपके घर में थोड़ा बहुत खून वगैरह, चोट लगने से खून वगैरह बह गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, बर्छे मारकर उसके एक एक लहू को बाहर निकाल दिया, और लास्ट जब मारा तब उसमें से पानी निकला, मतलब खून समाप्त हो चुका था, खून खत्म हो चुका था उस बॉडी में से। अगर अब भी हम कहते हैं कि हमारा तो टाइम पास हो रहा है, इसका मतलब अभी तक हम परमेश्वर को समझे नहीं है। इसका मतलब अभी आपके सामने एक दीवार है, और वो दीवार है आपकी सोच की। वो सोच की दीवार कैसे है? मान लो कोई है जिसकी उसके पति से झगड़ा रहता है, मान लो कोई है जिसने अपने बिजनेस के साथ उसको प्रॉब्लम रहती है, बिजनेस में नुकसान रहता है, या कोई है जिसके रिश्ते पास नहीं हो रहे हैं, या कोई है जिससे बेटा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तीन चार बातें हैं। अब इनके सामने की दीवार है, ये उस दीवार के आर पार देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया, लेकिन ये उस दीवार के पार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो जो दीवार है, वो दीवार किसने खड़ी की है? वो दीवार हमने खुद ने खड़ी की है। किस बात की? इसी बात की कि मेरा पति नहीं सुधरता, मेरा बेटा नहीं सुधरता, मेरा पति नहीं सुधरता, मेरा पति वापस कब आएगा, मेरी पत्नी वापस कब आएगी, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरे घर में नुकसान रहता है, मेरे परिवार में नुकसान रहता है, मेरे बिजनेस में नुकसान रहता है। ये एक दीवार हमने खुद ने खड़ी कर रखी है। वो दीवार को घेरने के लिए वचन क्या कहता है? यहोवा सब पीछे हुओं के लिए न्याय का काम करता है। हालेलुया। वो दीवार गिराने वाले हम खुद हैं। हम कहते हैं हम तो इन हालातों के साथ गिरे हैं, बस अब आज 35 के हो गए हैं, 39 के हो गए, बस थोड़े सालों फिर हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता कुछ भी। हर एक पल, हर एक दिन परमेश्वर हमारा आनंद का ठहराया है, लेकिन आनंद हमें नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? वो एक दीवार जो हमारे आगे है, वो एक पारदर्शी दीवार, जिसके आर पार हम आशय देख रहे हैं, हम लोगों की गवाही को सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन चमत्कार क्यों नहीं होता? वो हम जब उस गवाही को देखते हैं, वो जो दीवार है वो ढहने वाली होती है, फिर कहते हैं, घर में आते हैं, क्लेश होना शुरू, कहते हैं ओ हो, अब क्या हो गया ये दीवार, इसके पीछे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहे चमत्कार? यही वजह है कि वो दीवार जो आपने खड़ी कर रखी है, उस दीवार को घेरना ना तो मैं घेर सकता, ना प्रभु यीशु मसीह घेर सकते हैं। उस दीवार को आप खुद घेर सकते हो। कैसे? रिसीव करके। हालेलुया। ग्रहण करके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो आपके जीवन में उद्धार दे सकता है। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और हम कहते हैं हम किस बात के लिए धन्य कहें परमेश्वर को? सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर ने आपको सांस दे रखी है, आपको रहने के लिए घर दे रखा है, खाने के लिए रोटी दे रखी है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें। लिखा कि जो कुछ मुझ में है वह उसका पवित्र नाम को धन्य कहे। जो परमेश्वर ने हमें दे रखा है उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद कहें। लिखा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूला। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु के उपकारों को कभी ना भूले। आप अपने हालात देखें, आपके हालात कैसे थे, लेकिन अब आपके हालात कैसे हैं? इन सब को बदलने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी ये वचन लगता है मुझे। हाँ, वचन कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर आपने इतने पाप किए हैं, आपने इतने पाप किए हैं कि आपकी इतने टुकड़े हो सकते हैं, अगर जैसे लोग दिखाते हैं इसको वध कर दो, इसको मार दो, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, इसने पाप किए हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया। तुमने इतने पाप किए थे जी, चलो जी अब तुम्हारे पाँव काटा जाएगा। हम कहेंगे जी प्रभु जी हमें मसीह में 5 साल हो गए। वो कहेंगे जी 30 साल पहले क्या कर रहे थे?
हम व्यभिचार में थे, हम नशों में थे, हम समस्याओं में थे, हम संकटों में थे, हमने पाप किए, हमने व्यभिचार किए, हमने चोरी की, हमने लुचपन किए। चलो जी अब इसका वध कर दो, इसकी उंगलियां काट दो, इसका सिर काट दो, इसका बाल मुंडवा दो, इसको जख्मी कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया है। हालेलुया, इस बात की गहराई को समझिए। तो ये परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु के उपकारों को कभी मत भूलें, कभी भी ना भूलें। वचन कहता है मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। आपने देखा हमारे भी इधर घास था, कुछ दिन बाद देखा वो पूरा सूख चुका था। हम टेंशन होगी हमें, जो हमने प्रेयर माउंटेन बना रखा है, हमने बोला अब क्या होगा। हमने फिर क्या किया, हमारी अपनी आंटी जी हैं और उन्होंने खाद वगैरह दी, हमने खाद वगैरह डाली, हमने उसके ऊपर पानी डाला, वहाँ पर माली रखा जो उसकी देख रेख कर, बाद में वो फिर से हरा हो गया। मतलब उसको हमने सुधारा। अगर हमारा जीवन ऐसे हो चुके हैं कि ये ऐसे घास की तरह सूख गए हैं, उसको संभालना भी हमने है, उसके ऊपर पट्टी भी हमने करनी है, उस पर मलहम भी हमने लगाना है, वो क्या है, पवित्र वचन, वो क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो क्या है, अन्य भाषा, वो क्या है, परमेश्वर का वचन, वो क्या है, पवित्र बाइबल, वो क्या है, प्रार्थना, वो क्या है, उपवास, वो क्या है, मनते। इससे आप अपने श्रृंगार करें परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, इंसान इंसान से प्यार करता है, उसके लिए जान तक दे सकता है, लेकिन जिसने आपको बनाया क्या आपसे वो प्यार नहीं करता होगा। इस तरह वचन कहता है माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता। इसलिए आप ये गलत फहमी मन से निकाल दें कि हमारे जीवन तो टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपकी आंखों के आगे ना जो दीवार है, डिप्रेशन की दीवार है, चिंताओं की दीवार है, इन सबको हटाकर एक अलग सी रोशनी को देखें, प्रकाश को देखें। ये देखने से दिखती है। प्रभु की अलीशा के साथ चेले रहते थे, लेकिन वो देख नहीं पाया, वो सिर्फ समस्या को देख पाया। हम भी समस्या को देखते हैं, हम चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ, लेकिन हम समस्या को देखते हैं। वो बड़े बड़े चमत्कार देखता था जो अलीशा करता था उसका चेला, लेकिन जब समस्या आई उसका चेला घबरा गया, उसका चेला डर गया। वो क्या कह रहा है वहां पर, हे स्वामी हम तो गए, हे स्वामी हम तो गए। हम भी कहते हैं हे स्वामी हम तो गए, हे प्रभु हम तो गए, हे प्रभु हम तो गए, हे प्रभु हम तो मर गए, हे प्रभु हम तो मर गए। हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन आत्मिक आंखें, जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, समझ लो आपने परमेश्वर को उस दिन पहना है। जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं तो आप आधे अधूरे हो। अभी तक आपने पूरे मसीह को नहीं पाया है। आत्मिक आंखें खुलने का मतलब होता है कि पूरा परमेश्वर को हमने पहन लिया है। इसलिए जब तक आपकी आत्मिक आंखें, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर से आवाज आती है, तो अभी आप अधूरे हैं। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपका जीवन मजबूत कार्य करें। दया करने वाले परमेश्वर, इनका जीवन मजबूत कार्य करें मेरे पिता। सृष्टि का कर्ता और सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। मेरे पिता इन लोगों पर दया करो मेरे पिता, इन पर कृपा दृष्टि करो मेरे पिता। जो मेरे पिता परमेश्वर, इनका जीवन एक टाइम पास हो चुका है, जो अपने जीवन को काट रहे हैं, लेकिन आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं तुम्हें फलवंत करूँगा। मेरे पिता इनकी गलतियों को क्षमा करें, इनके पापों को क्षमा करें, और इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें, आशीष को पाएं, ब्लेसिंग को पाएं। मेरे पिता उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, इनका जीवन में ब्लेसिंग आनी पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर आप महान हैं, आप राजों का राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी आप राजों का राजा हैं मेरे पिता, इनका जीवन मजबूत कार्य करें, इन्हें शांति दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और ये जो भजन सहता है मेरे पिता इस पर हम चले मेरे पिता, हम आपके उपकारों को कभी ना भूलें मेरे पिता। जो आपने हमें आज तक जीवन दिया है, आपने आंखें दी, आपने हमें पीने के लिए पानी, बोलने के लिए शक्ति दी मेरे पिता, चलने के लिए पांव दिए मेरे पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। जो लोग इस प्रार्थना सुन रहे हैं, इन्हें ब्लेस करें, आशीष को पाएं, और इनके मन से वो दीवार निकलने पाए, ताकि ये प्रभु आपके बोतायत के आशीष को देखने पाए, क्योंकि आपके वचन झूठे नहीं है, आपकी प्रार्थना झूठी नहीं है। ये हमें शैतान ने पकड़ रखा है, एक दीवार हमारे आगे खड़ी कर रखी है कि जिस दीवार को हम पार नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु इनकी मदद करें, इन्हें ब्लेस करें, आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।